नमस्कार, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। आई एम ईशिका त्रिवेदी फ्रॉम एनजीएस। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ प्रेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, स्टार्ट ओम भूर्भुवस्वः। कितने सारे हैं? एलिफेंट, जिराफ, फिर जेब्रा, मंकी एंड लायन। कहाँ है लायन? आपको दिख रहा है लायन? यस, ये क्या है? लायन। तो आज हम किसकी स्टोरी सुनेंगे? शेर और चूहा की। तो ये कौन है? शेर। इसकी पिक्चर है ये शेर की। चलो अब मैं आपको शेर की कहानी सुनाती हूँ। शेर कहाँ पे रहता है? गुफा में, मतलब कि डैम। ओके, तो ये किसका घर है? लायन का, मतलब कि लायन की गुफा है। अब मैं आपको शेर और चूहा की स्टोरी सुनाती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? कहानी का नाम शेर और चूहा। क्या नाम है कहानी का? शेर और चूहा। चलो, एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, शेर कहाँ पे सो रहा था? गुफा में। चूहों ने आपको गुफा भी दिखाई थी। शेर सो रहा था गुफा में, तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। तभी कौन आया? एक चूहा। कौन आया? चूहा। और किसके ऊपर कूदने लगा? शेर के ऊपर। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, शेर के ऊपर कौन है? चूहा। कौन है? चूहा। चूहा क्या कर रहा था? शेर के ऊपर कूद रहा था, जिससे शेर की नींद टूट गई। क्या हुआ? शेर सो रहा था तो उसके ऊपर चूहा कूदने लगा, इसकी वजह से शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उससे अपने पंजों में जकड़ लिया। शेर ने क्या किया? चूहा उसके ऊपर कूद रहा था इसीलिए उसकी नींद बिगड़ गई, इसीलिए वो शेर को गुस्सा आया और फिर अपने पंजों से, मतलब कि हाथों से चूहे को पकड़ लिया। फिर उसे मारने का सोचने लगा। उसने क्या किया? उसके ऊपर कूद रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह सोचा कि मैं इसे मार दूंगा। चूहा बहुत डर गया था। कौन डर गया था? चूहा। क्यों डर गया था वो? क्योंकि शेर ने उसे पंजों में पकड़ लिया था। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। चूहे ने क्या कहा? शेर राजा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। चूहे ने क्या कहा? मुझसे बहुत भारी, मतलब कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर आप मुझे जाने दोगे तो आपका बहुत उपकार होगा।
चूहे ने क्या कहा, अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपका कभी भी आपकी मदद में आऊँगा, मतलब कि उपकार रहेगा आपके आपका मेरे ऊपर, और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। मतलब कि चूहे ने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दो और आप मुझे अगर छोड़ दोगे तो मैं आपकी किसी काम में मदद कर दूंगा और आपके ऊपर में मेरा आपके आपके ऊपर आपने जो मदद की आप मुझे छोड़ दो तो इससे आपका उपकार मेरे ऊपर रहेगा। यहाँ सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। चूहे ने क्या बोला कि मुझे छोड़ दो तो आपका हमेशा मेरे ऊपर उपकार रहेगा। शेर को फिर क्या आई, दया। मतलब कि शेर ने सोचा कि अब इसे चलो छोड़ देता हूँ, ये ऐसा बोल रहा है ना, तो फिर शेर को दया आने से चूहे को उसने छोड़ दिया। पर वह मन ही मन हंसा कि भला यहाँ छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार चुकाएगा। शेर ने क्या कहा, मन ही मन, मतलब कि वो अपने मन में ही हंसने लगा और मन में ही बोला कि चूहा ये तो इतना छोटा सा है तो मेरी क्या मदद करेगा वो। फिर समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। एक दिन था जब वो शेर जंगल में था, तभी कौन आया, शिकारी। और वो क्या ढूंढ रहा था, एक शिकार ढूंढ रहा था। क्या शिकार, तो वो कहाँ पे घूम रहा था शिकार के लिए, जंगल में। तभी शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। जंगल में कौन घूम रहा था, शेर। तभी जंगल में कौन आया, शिकारी। तो उसने किसे देखा, शेर को। तभी शिकारी ने चालाकी से क्या किया, वहाँ पे ऑलरेडी उसने जाल बिछा के रखी थी शिकारी ने। फिर वो सोच रहा था कि जब भी शेर आएगा ना तभी मैं उसके ऊपर जाल डालूँगा और वो फंस जाएगा और वो मेरी पकड़ में आ जाएगा। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर को वहाँ से छूटना था ना, इसीलिए शेर क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर से चिल्लाया और दहाड़ने लगा, मतलब कि वो रोर करने लगा। रोर मतलब गर्जना। ये शेर एकदम जोर से चिल्लाने लगा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर क्या कर रहा था, चिल्लाया, तो शेर की आवाज़ सुनकर कौन आया, चूहा। ये यहाँ पे कौन फंसा हुआ है, शेर। शेर यहाँ पे झाल में किसने फंसाया था उसको, शिकारी ने। तो झाल में फंसने की वजह से शेर बहुत चिल्लाने लगा। तभी यहाँ पे कौन आया, किसने आवाज़ सुनी थी, चूहे ने। तो यहाँ पे कौन आया उसके बाजू में, शेर के बाजू में, चूहा। फिर शेर को झाल में फंसा देखकर उसने तुरंत ही अपने नुकीले दांतों से शिकारी का झाल काट दिया। चूहे ने क्या किया, चूहे के दांत तो आपने देखे ही होंगे, घर पे हमारे आते हैं या कहीं भी बाहर, आपने चूहे तो बड़े बड़े देखे ही होंगे। चूहे के दांत इतने मजबूत और इतने अड़ीदार होते हैं कि मतलब कि नुकीले उसके दांत इतने तेज होते हैं कि वो कुछ भी काट सकता है। तो उसने दांत से ये झाल जो शेर फंसा था वो झाल उसने अपने दांतों से काट दी और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर उसमें से आज़ाद हो गया। क्यों आज़ाद हो गया वो, क्योंकि चूहे ने वो झाल काट दी थी। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। फिर शेर ने क्या किया, चूहे को धन्यवाद बोला। उस दिन से शेर को समझ आ गया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं
लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। शेर को क्या समझ आ गया कि कोई भी छोटा हो या बड़ा हो या मोटा हो या छोटा हो तो उसे हमें कभी भी उसकी काबिलियत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, छोटा एनिमल भी कुछ कर सकता है और बड़ा एनिमल भी कुछ कर सकता है। तो शेर तो तभी हंस रहा था जब बताया ना, मैंने आपको बताया था कि चूहे ने बोला कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तभी शेर क्या बोला था मन में कि छोटा सा प्राणी मेरी क्या मदद कर पाएगा। तो फिर जब शेर फंसा जाल में तभी किसी ने मदद की थी, चूहे ने। इसीलिए शेर समझ गया कि छोटा प्राणी भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं, है ना। चूहे ने जब शेर के ऊपर कूदा तो शेर को गुस्सा आया, तो शेर ने क्या किया, उसे पकड़ लिया। फिर इसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए, तभी ही हमारी कोई मदद करेगा। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। घर पे भी ये आप स्टोरी सुनना। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको आज का क्लास वर्क समझाऊंगी। क्लास वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वर्क लिखने के लिए आप क्या मेंशन करोगे? क्लास वर्क एंड डेट। क्या मेंशन करना है हमें? क्लास वर्क एंड डेट। लास्ट वीडियो में हमने कौन सा स्वर सीखा था? ऋषि, ऋषि। कौन सा स्वर सीखा था? ऋषि, ऋषि। और ऋषि ऋग्वेद, ओके, जो वेद है, ओके। चलो अब मैं आपको क्लास वर्क समझाती हूँ। आज का हमारा क्लास वर्क है वर्कशीट में, इसमें है वर्कशीट में पेज नंबर 25 इन वर्कशीट, इसमें है 25 इन वर्कशीट। ये क्या है? ऋषि, ऋषि। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास वर्क एंड डेट मेंशन करना है। फिर आपको ये पेज जो ऋषि ऋषि लिखा हुआ दिया है उसमें आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है, ओके। ये आपको लाइन ट्रेस करनी है, फिर 1 2 3 4 5 ये जो आपको बॉक्स दिए गए हैं कि ऋषि ऋषि कैसे लिखना है उसमें भी आपको लाइन ट्रेस करनी है। और वर्कशीट में जो आपको क्लास वर्क करना है उसमें फर्स्ट लाइन जो है वो क्या करना है, ट्रेसिंग। चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ। ये क्या है हमारा आज का क्लास वर्क? क्या है क्लास वर्क? क्लास वर्क कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्या ड्रॉ करती हूँ, हमारे वर्कशीट का बॉक्स, ओके। वर्कशीट में आपको ऑलरेडी ये बॉक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिया है, ऋषि, ऋषि। क्या दिया है? यह आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। क्या करना है? ट्रेसिंग। और वर्कशीट में आपको ये लाइन भी ट्रेस करना है, ओके। फर्स्ट लाइन जो है उसमें भी आपको मैंने दिखाया वर्कशीट में इसे ट्रेस करना है, ओके। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेस कैसे करना है। लाइन टू लाइन आपको इसे ट्रेसिंग
करनी है। क्या करना है? ट्रेस। ये कौन सा स्वर है हमारा? ऋषि ऋषि। क्या है? ऋषि ऋषि। यहाँ पे बक्षी में ऋषि ऋषि के पास मैंने दिखाया था आपको ये ट्रेस है। ओके, फिर ये फर्स्ट लाइन है, उसमें आपको क्या करना है? फिर से ट्रेसिंग करनी है। क्या करना है? ट्रेसिंग। ऐसे ही आपको फर्स्ट लाइन क्या करना है? ट्रेसिंग। यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखाया है, वर्कशीट में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ट्रेसिंग करना है। ओके, मैंने ट्रेसिंग कैसे करना है वो भी आपको सिखा दिया है। फर्स्ट लाइन, फिर क्या करना है? फर्स्ट लाइन ट्रेसिंग एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो बॉक्स में है उसको आपको अपने आप लिखना है। ओके, चलो ये फर्स्ट लाइन जो ट्रेसिंग वाली है वो मैंने आपको सिखाई, अब सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन कैसे लिखना है वो मैं आपको फिर से पैटर्न के साथ सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? हाफ कर्व। क्या किया है मैंने यहाँ पे? हाफ कर्व मतलब कि आधा गोल। फिर क्या करेंगे? स्लंट लाइन, छोटी सी स्लंट लाइन। फिर अगेन स्लंट लाइन मतलब कि तिरछी रेखा। फिर क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन मतलब कि खड़ी रेखा। फिर यहाँ से हम छोटी सी सीधी रेखा मतलब कि आड़ी रेखा करेंगे। फिर क्या करेंगे? छोटा सा गोल मतलब कि स्मॉल सर्कल। फिर छोटी सी स्पेंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व। फिर यहाँ पे जो हमने स्पेंडिंग लाइन बनाई थी उसके ऊपर कौन सी लाइन आएगी? स्लिपिंग लाइन। कौन सी लाइन आएगी? स्लिपिंग लाइन। चलो फिर से हाफ सर्कल, स्लंट लाइन, देन अगेन स्लंट लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्मॉल स्लिपिंग लाइन एंड देन स्मॉल सर्कल, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड देन हाफ कर्व, देन स्लिपिंग लाइन। ये क्या है? ऋषि ऋषि। क्या है? ऋषि ऋषि। ये क्या है आज का क्लास वर्क? क्या है क्लास वर्क? क्लास वर्क में आपको क्या करना है? ऋषि ऋषि में फर्स्ट लाइन ट्रेसिंग। ये मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि वर्कशीट में आपको अगर ये लाइन ना दिखे तो मैंने आपको ये दिया है, और वर्कशीट में देखो ये ऐसी थोड़ी सी लाइट लाइन है। कैसी है? लाइट लाइन है। ओके, मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट ऐसे लिख के दिया है। फिर ये आप लाइन डार्क भी कर सकते हो। ओके, पेंसिल से थोड़ी लाइन डार्क करनी है और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ऋषि ऋषि। मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिख के दिया क्योंकि लाइन आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपको लाइन दिखेगी। ओके, चलो तो अब लाइन टू लाइन हमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हाफ सर्कल, देन स्लंट लाइन, देन अगेन स्लंट लाइन एंड देन स्पेंडिंग लाइन, देन स्मॉल स्लिपिंग लाइन, स्मॉल सर्कल, अगेन स्टैंडिंग लाइन, देन हाफ कर्व एंड देन स्लिपिंग लाइन। ऐसे ही आपको क्लास वर्क में ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, ट्रेसिंग एंड राइटिंग। ओके, तो ये आपका आज का क्लास वर्क था। अब मैं आपको आज का होमवर्क समझाऊंगी। मैं आपको आज का होमवर्क समझाती हूँ। क्लास वर्क में हमने क्या सीखा था? ऋषि ऋषि। ये कौन सी पिक्चर है? ऋषि ओके, और ये क्या लिखा है? ऋषि ऋषि। क्या है?
ऋषि ऋषि कैसे लिखना है आपको, पहले क्या करोगे, हाफ कर्व जो यहाँ पे आपको दिया गया है हाफ कर्व, फिर क्या करना है स्लंट लाइन, क्या करना है स्लंट लाइन, फिर अगेन स्लंट लाइन, क्या करना है अगेन एक दूसरी बार आप छोटी सी स्लंट लाइन करोगे, देन स्टैंडिंग लाइन, क्या करना है स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या करोगे थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन, देन हाफ कर्व एंड देन स्लिपिंग लाइन। तो ये क्या था आज का हमारा होमवर्क। होमवर्क किस में गया हमारा, नोटबुक में। ये क्या है हमारी हिंदी की नोटबुक, क्या है नोटबुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमवर्क लिखने के लिए क्या मेंशन करेंगे, होमवर्क एंड डेट, क्या मेंशन करेंगे होमवर्क एंड डेट। चलो विथ पैटर्न मैं आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हाफ सर्कल देन स्लंट लाइन अगेन स्लंट लाइन देन स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन एंड अगेन हाफ स्मॉल सर्कल देन स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व एंड देन स्लीपिंग लाइन। आपको कैसे लिखना है वन लाइन स्किप करके, कैसे लिखना है वन लाइन स्किप करके, और नोटबुक में होमवर्क क्या है हाफ पेज लिखना है आपको, कितना पेज लिखना है हाफ पेज टू टाइम, ओके। चलो फिर से हाफ कर्व देन स्लंट लाइन अगेन स्लंट लाइन देन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल स्लिपिंग लाइन एंड देन स्मॉल सर्कल अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड देन हाफ कर्व एंड देन स्लिपिंग लाइन। तो ये क्या था हमारा आज का होमवर्क। होमवर्क किस में है हमारा, नोटबुक में। नोटबुक में आप कैसे लिखोगे वन लाइन स्किप करके, कैसे वन लाइन स्किप करके। ये क्या है हमारा आज का होमवर्क। होमवर्क में हमने क्या सीखा है, ऋषि ऋषि और ऋषि ऋग्वेद, क्या होता है ऋग्वेद। तो आपको आज का क्लास वर्क एंड होमवर्क समझ आ गया होगा, आई होप कि सबको ये समझ आ गया होगा। ऋषि ऋषि ये थोड़ा लिखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऋषि ऋषि समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है। आई होप कि आपको आज का क्लास वर्क एंड होमवर्क समझ आ गया होगा। थैंक यू।